हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी विल डू रेडिएशन, थर्ड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। यू फील वार्म व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। जब आप इलेक्ट्रिक हीटर के सामने बैठते हैं तो आपको क्या लगता है? गर्मी लगती है। हाउ डज हीट ट्रेवल फ्रॉम हीटर टू योर बॉडी? तो वो हीटर से जो हीट है वो कैसे ट्रेवल करती है आपकी बॉडी तक? देयर बिटवीन यू एंड द हीटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब आपने कन्वेंशन में भी पढ़ा है कि एयर जो है वो जो है हीट का बैड कंडक्टर है, तो एयर तो ट्रांसफर करती नहीं है, तो हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ड्यू टू कंडक्शन। अब वो कंडक्शन से तो हीट ट्रांसफर हुई नहीं है। हीट कैन नॉट बी इवन ट्रांसफर्ड ड्यू टू कन्वेक्शन बिकॉज द हॉट एयर सराउंडिंग द हीटर विल बिकम लाइट एंड राइज अप नॉट टूवर्ड्स यू सिटिंग इन फ्रंट। ओके, और आपने ये भी पढ़ा है कन्वेक्शन में कि जो एयर गर्म हो जाती है तो वो तो ऊपर की ओर उठती है, अब वो कोई साइड वेज में तो जाती नहीं है, और आप साइड में ही खड़े हो तो वो आपकी तरफ तो आएगी नहीं, वो ऊपर चली जाएगी। व्हेन द हीटर इज स्विच्ड ऑफ यू इमीडिएटली फील कोल्ड। और जब हीटर का हम स्विच बंद कर देते हैं तो एकदम हमें ठंडा लगता है। दिस शोज दैट एयर अराउंड यू रिमेन्स कोल्ड। तो ये शो करता है कि एयर जो आपके चारों तरफ है वो ठंडी है। देयर मस्ट बी अ थर्ड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इसलिए हीट ट्रांसफर का थर्ड मेथड है। ओके, और इसी थर्ड मेथड को हम कहते हैं रेडिएशन। ओके, और रेडिएशन में हीट ट्रांसफर के लिए हमें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। बाकी दो कन्वेंशन और कन्वेक्शन और कंडक्शन के लिए जैसे आपने पढ़ा, उनमें हमें मीडियम की जरूरत होती है हीट ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन रेडिएशन में हमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती हीट को ट्रांसफर करने के लिए। ऑल बॉडी इज गिव्ड आउट एनर्जी दैट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन थ्रू स्पेस। और सारी जो बॉडीज है जो एनर्जी देती हैं तो वो स्पेस में थ्रू रेडिएशन ही ट्रेवल करती हैं। क्यों? अब देखिए, सन की हीट भी हमारे ना, वी रिसीव्ड सन, अब सन की हीट भी हमारे तक पहुंचती है, लेकिन बहुत सारा स्पेस बिटवीन सन एंड अर्थ क्या है? वो तो वैक्यूम है, यानी वहां पे कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है जो हीट को ट्रांसफर करे। तो इसीलिए जहां कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता और हीट ट्रांसफर हो रही होती है उसको हम कहते हैं रेडिएशन। ओके, और जो ऐसे हीट ट्रांसफर होती है उसको हम कहते हैं रेडिएंट हीट। द हीट ट्रांसफर्ड विदाउट द नीड ऑफ एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएंट हीट। अब रेडिएशन की डिफाइन। रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम। कोई भी मीडियम इसमें नहीं होता और हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, तो रेडिएशन नीड्स नो मीडियम। रेडिएशन के लिए हमें कोई मीडियम नहीं चाहिए। ओके, रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एज कंपेयर टू कंडक्शन एंड कन्वेंशन। अब कंडक्शन और कन्वेंशन को जब आप कंपेयर करें, अब तीन मेथड हो गए आपके, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन। तो सबसे तेजी से हीट जो है वो ट्रांसफर करती है आपके रेडिएशन वाले मेथड में। जी, अब एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट। ओके, लाइट विच इज द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। लाइट जो हमें रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म में मिलती है ऑल्सो ट्रेवल एट अ ग्रेट स्पीड, और ये बहुत तेजी से ट्रेवल करती है इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द बॉडी एमिटिंग इट। जिस बॉडी से ये एमिट हो रही है उससे, इट डज नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। अब इसके लिए कोई भी इसको मटीरियल मीडियम नहीं चाहिए हीट को ट्रेवल करने के लिए। वेन लाइट फॉल्स ऑन अ बॉडी, जब एक किसी बॉडी पे ये लाइट पड़ती है तो पार्टली एब्जॉर्ब्ड बाय इट एंड पार्टली रिफ्लेक्टेड। आधी तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है और आधी वो रिफ्लेक्ट कर देता है। वेन द रेडिएंट हीट इज फॉल्ड ऑन अ बॉडी, जब ये रेडिएंट हीट फॉल करती है बॉडी पे, पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब एंड रिमेनिंग रिफ्लेक्टेड बैक। अब ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा और कौन कितनी हीट रिफ्लेक्ट करेगा, ये दो पार्ट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इट्स सरफेस एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। सरफेस का नेचर और कलर। कलर में आपने देखा होगा कि जो ब्लैक कलर है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, तभी हम कहते हैं कि समर्स में हमें ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए।
और बर्तन जो होते हैं वेसल्स, उसमें नीचे की कोटिंग ब्लैक रखी जाती है ताकि वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सके, हमारा फ्यूल कम लगे और खाना जल्दी बन सके, ठीक है। और जबकि लाइट कलर होते हैं वाइट, वो रिफ्लेक्टर होते हैं, तभी समर्स में लाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं। तो ब्लैक एब्जॉर्बर होते हैं और डार्क कलर, और लाइट कलर जो होते हैं वाइट, वो रिफ्लेक्टर होते हैं। शाइनी स्मूथ सर्फेसिस आर बेटर रिफ्लेक्टर, वाइल डल एंड रफ सर्फेस आर बेटर एब्जॉर्बर। ये है आपका सारा। अब एप्लीकेशन बेस्ड, एज यू नो ये एप्लीकेशन बेस्ड बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, पहले भी मैंने बताया है दोनों केसेस में एप्लीकेशन बेस्ड, इसमें भी। अब पहला क्वेश्चन बनेगा, व्हाई डू वी वियर लाइट कलर क्लोथ इन समर एंड व्हाई डू वी वियर ब्लैक क्लोथ इन विंटर। तो सेम रीजन, बिकॉज व्हाइट कलर क्लोथ एब्जॉर्ब लेस हीट एंड कीप अस कूल, क्योंकि वो लेस हीट एब्जॉर्ब करते हैं और हमें ठंडा रखते हैं। ऑन द अदर हैंड ब्लैक कलर क्लोथ्स जो होते हैं वो डार्क कलर क्लोथ्स ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं और वो हमें गर्म रखते हैं, ठीक है जी। ठंडा रखने वाला हम समर्स में पहनेंगे, गर्म रखने वाला हम विंटर्स में पहनेंगे। हाउसेज इन हॉट कंट्रीज लाइक अवर आर यूजली पेंटेड व्हाइट और लाइट कलर। घरों में भी जो हम पेंट करते हैं वो लाइट कलर का या व्हाइट करते हैं, क्यों? ताकि हाउसेज एब्जॉर्ब लेस हीट फ्रॉम सन एंड कीप कूल ड्यूरिंग समर। सेम लॉजिक कि लेस हीट एब्जॉर्ब करें और ठंडे रहें समर में। बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स इज पेंटेड ब्लैक, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ उसमें, है ना। साइड्स आर स्पार्कलिंग ब्राइट, साइड जो होती है उसमें लाइट कलर होता है और नीचे ब्लैक होता है। दिस इज सन, यूटेंसिल्स कैन एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द बॉटम, क्योंकि जो फ्यूल होता है फ्यूल के कॉन्टेक्ट में वो नीचे से ही आता है बॉटम से, और ताकि वो वहां पे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सके एंड रेडिएट लेस हीट फ्रॉम साइड्स, और साइड से कम दे सके, जिसकी वजह से जो है हमारा खाना जल्दी पक सके। मतलब हीट ज्यादा ले लेकिन एब्जॉर्ब ज्यादा करे और रेडिएट कम करे। नेक्स्ट, द कंटेनर ऑफ सोलर कुकर आर पेंटेड ब्लैक। अब जब आप सोलर कुकर बनाते हैं तो उसको ब्लैक कलर करते हैं, क्यों? ताकि वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करे सन की और आपका खाना जल्दी से बन सके। इलेक्ट्रिक रूम हीटर जो होते हैं, कर्व्ड पॉलिश मेटल रिफ्लेक्टर बिहाइंड द हीट एलिमेंट। जो हीट एलिमेंट होता है ना आगे, मतलब हीट एलिमेंट लगा दिया जो आपको ग्लो करता हुआ दिखता है, और उसके पीछे आपका पॉलिश्ड शाइनी सरफेस होता है, क्यों? क्योंकि अगर लाइट उस पर पड़ेगी तो वो अच्छे से उसे रेडिएट कर सके, है ना, वो एब्जॉर्ब तो करेगा नहीं, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। और पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इट फील्स वार्म, और पर्सन जो उसके सामने बैठा है उसे तब गर्मी महसूस होगी।